है और अभी यहाँ से भी बहुत सारे लोग दिख। तो हाय दोस्तों, स्वागत है दिव्यांग बुधन ब्लॉग में। आइए हम लोग आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग। और अभी हम लोग लगभग कहिए 5 बजे ही आए थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण आप लोग को नहीं दिखा पाए। और हमारे साथ अभी जो है ना प्रीतम जी हैं, और हम लोग आए हैं सुबह को, जो देख सकते हैं अभी बैठ के थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में अभी गोड्डा से ट्रेन आने वाली है, तो आप लोग को दिखाएंगे, अभी ट्रेन भी दिखाएंगे। और ये हम लोग पोड़िया हाट के रेलवे स्टेशन में हैं, और हमारे साथ जो प्रीतम जी हैं कि जो है ना शूटिंग में लगे हुए हैं। और नज़ारा कुछ इस प्रकार का है सुबह का कि आप लोगों को दिखाते हैं, अभी मन लग जाएगा देखने में। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत नज़ारा को दर्शा रहा है। और इधर देखिए क्या खूब सुंदर प्रकृति का दृश्य, क्या बोलें, ये दृश्य देखने को मन करता है रोज। लेकिन देखिए बहुत ही खूब सुंदर, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, जो सूर्य का नज़ारा काफ़ी सुंदर खूबसूरत लग रहा है। और देखिए इधर, और हमारे इधर देखिए रेलवे स्टेशन जो बहुत फेमस है पोड़िया हाट का, अभी जो न्यू बना है। और यहाँ देखिए पोड़िया हाट रेलवे स्टेशन, फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग जो है ना अभी थोड़ा साइड में आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रीतम जी, जो कि इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है, सुविचार पॉइंट ब्लॉग। तो आप लोग वहां पे जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इन भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और आइए आज हमसे कुछ ज़रा सा पूछने आए हैं, ज़रा इसको बताते हैं, कुछ यूट्यूब के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तो इसलिए ज़रा साइड में बैठते हैं और कुछ बातें विचारें होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो है ना पोड़िया हाट का ट्रेन आ रही है, और अभी यहाँ से भी बहुत सारे लोग, देखिए ट्रैक है इस तरह का जो बना हुआ है, बहुत अच्छा। और देखिए उधर ये स्टेशन रहा, देख सकते हो ट्रेन जो है ना चल गया, अभी ये सुबह सुबह ट्रेन आया हुआ है। लेकिन चलिए हम लोग अब जो घर निकल गए हैं और पहुँचेंगे, पैदल ही जा रहे हैं अभी, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हम, मेरा घर है 2 किलोमीटर हो जाएगा ना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस है, और 2 किलोमीटर प्लस पैदल ही चलेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। और विकलांग को तो थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है चलने में, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो हम लोग अपने घर की ओर चले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। आज देख रहे हैं, आज पोड़िया रेलवे स्टेशन में हम लोग आए हैं, हमारे बुधन सर है। बुधन सर कुछ मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए पूरा बिजी रहते हैं आजकल मोबाइल में, तो आप लोग बने रहिए, हम लोग बिजी इसलिए रहते हैं, आप लोग कुछ ना कुछ नया दिखाते रहते हैं, इसलिए कुछ है बिजी ज़्यादा रहते हैं। बुधन सर कुछ मोबाइल में खेल रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं, तो
चलिए कुछ पूछते हैं भुजन सर से, क्या देख रहे थे? देख रहे थे वीडियो, एक वीडियो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा प्रीतम जी का, वही वीडियो हम देख रहे थे। और प्लस देखिए अभी जो है ना रेलवे स्टेशन अभी खाली खाली हो गया है, सुबह सुबह हम लोग अब दो ही तो बचे हैं, कोई है भी नहीं आपके। और हम लोग अब आए थे मॉर्निंग वॉक में, घूम लिए, अब हम लोग जाने वाले हैं घर की ओर, निकलेंगे फिर दाढ़ी उड़ी बनाना है, फिर नहाना है, और फिर दिनचर्या दूसरा शुरू करना है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग निकलते हैं गेट से। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिख रहा है और नया नया रेलवे स्टेशन, और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ देखिए ट्रेन, देखिए आप, और देखिए आप हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस के लिए टिकट मिलता है आपको। अभी काउंटर बंद हो गया, गाड़ी भी नहीं चल रहा है, अखबार में बोल रहे हैं। कार्य प्रगति पर ही है, रेलवे स्टेशन चमकने वाला है बहुत कम समय में। इतना चमक गया कि पुड़िया वाला बहुत खुश नसीब था कि ट्रेन तो देख लिया, लेकिन ट्रेन का जगमगाता हुआ सितारा भी देख रहा है। एक साल के अंदर में 5-5 ट्रेन, और नवंबर और दिसंबर तक में 2 ट्रेन और, इससे बड़ा खुश नसीब पुड़िया और क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पानी टैंकी, ऊपर का सीन देखिए क्या मस्त आ रहा है ना।